हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, जैसी आप सभी लोगों की डिमांड थी कि अब इस बाइक की टॉप स्पीड वापस से आप लेके आओ, बिकॉज़ बाइक की थर्ड सर्विस हो चुकी है, बाइक चल भी काफ़ी चुकी है। जैसा आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली थर्ड सर्विस करवा ली थी एंड बाइक को आप देख सकते हो 6697 में लगभग 6700 किलोमीटर बाइक चल गई है। तो इस टाइम इसकी टॉप स्पीड में कुछ चेंज आया या नहीं आया, तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए आज फाइनली ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज मैंने इसके जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनको भी हटा दिया है कि टॉप स्पीड में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल भी डाउन ना पड़े। तो दो अटेम्प्ट अपन करेंगे, एक बार हाईवे पे इधर जाते हुए, दूसरी बार उधर से आते हुए। तो चलिए अपनी टॉप स्पीड की एक छोटी सी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहुंच गई है भाई, थोड़ा सा चढ़ाई आ गई है रोड पे, 91। नहीं भाई, 96 से ऊपर नहीं जा रही है बाइक। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है यार, 96 से ऊपर नहीं जा रही है? आई थिंक पहले एक बार 98 तक चली गई थी बाइक, लेकिन हो सकता है हवा का इफेक्ट हो, सामने से हवा आ रही हो। तो एक बार थोड़ा वापस जाते टाइम और चेक करके देख लेते हैं, क्या पता उधर की साइड में थोड़ी ज़्यादा स्पीड को कैच कर पाई बाइक। तो भाई अभी रोड के इधर आ गए हैं हम, इधर और चेक करके देख लेते हैं एक बार कि इधर थोड़ी ज़्यादा टॉप स्पीड जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। आप लोगों को क्या लग रहा है, जाएगी या नहीं जाएगी? यार मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है यार, जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनको भी हटा दिया एंड उसके बाद भी टॉप स्पीड यार इतनी कम, 100 तो कम से कम जानी चाहिए यार। मैं इसके मीटर में चलते हुए 100 प्लस देखना चाहता हूँ एक बार इसको, बिकॉज मैंने देखी नहीं है। मैंने मेन स्टैंड के ऊपर लगा के भी एक बार इसकी टॉप स्पीड चेक की थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने, तो उस टाइम भी ये नहीं गई थी 100 प्लस। एंड एक बार मेन स्टैंड पे लगा के अभी वीडियो जब अपनी एंड हो जाएगी, मतलब सेकंड अटेम्प्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा, तब एक बार मेन स्टैंड पे भी चेक कर देंगे उस चीज़ को। लेकिन यार लग नहीं रहा है मुझे यार ये 100 से ऊपर जाएगी। चलो देख लेते हैं, इधर अगर थोड़ा सा हवा का सपोर्ट होगा तो 100 प्लस चली जाएगी। भाई 93 तक तो चली गई है, 93 नीचे उतरते टाइम ये चली जाएगी 100 तक, तो बाकी देखते हैं। भाई 98 गई है बस, और इससे ऊपर जाएगी भी नहीं अभी है। तो भाई ये ओनली 98 की टॉप स्पीड पे गई है, इससे ऊपर नहीं जा रही है ये अभी भी। तो 98 तो यार जब हम नई परचेज करके लाए थे तभी चली गई थी, तो क्या फ़ायदा हुआ फिर इस चीज़ का कि इसकी थर्ड सर्विस भी हो गई है, पूरे 6700 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं अभी इसके, एंड उसके बाद भी ये 98 से ऊपर नहीं जा रही है। तो चलो एक बार इसको मेन स्टैंड पे लगा के और दिखा देते हैं एक बार इसकी स्पीड आपको। दो मिनट और सही। एक 101 पहुंच गई थी भाई अभी अभी, आप लोगों ने देखा होगा बीच में एक बार 101 चली गई थी ये। तो चलो फाइनली मैंने 100 प्लस देख लिया इसके मीटर में।
लेकिन वो कैसे भी गई, जैसे भी गई, लेकिन 101 वो चली गई थी भाई। तो फाइनली मीटर में जो टायर घूमते टाइम 101, वरना चाबी ऑन करते तो 140 भी दिखाता है इसमें, टायर घूमते टाइम 101 जो देखने का मेरा सपना था वो पूरा कर दिया है फाइनली इसने। लेकिन यार फिर भी 100 प्लस जानी चाहिए यार, पुरानी वाली जो आती थी अपनी स्प्लेंडर प्लस वो 100 प्लस चली जाती थी इजीली। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, आप लोगों की डिमांड पे वीडियो अपन फाइनली लेके आ गए थे, एंड अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।